2014 तक भी बनारस की जिंदगी चल रही थी। भारी भीड़, भारी ट्रैफिक, जल जमाव, गंदगी के बीच लोग अभ्यस्त हो चुके थे। लेकिन मोदी थे जिन्होंने वादा किया था कि वो काशी को क्योटो बनाएंगे, और ये सपना जो है सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहा, बाकायदा करार हुआ जापान से, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मगर आज हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि यह करार सिर्फ इन तस्वीरों तक सीमित रह जाता है, इन झप्पियों तक सीमित रह जाता है, इस मुस्कान तक सीमित रह जाता है, इस गर्मजोशी तक सीमित रह जाता है जो इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। क्योटो पैक क्या है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बनारस एक धार्मिक नगरी है, जापान की क्योटो भी धार्मिक नगरी है, और उसी के तर्ज पर इसे बनाने की बात। 2014 में जब वो बनारस चुनकर आए थे तो उनका वो संवाद आपको याद होगा कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 2014 में मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का ऐलान किया था। क्योटो बनाने से मतलब काशी को मॉडर्न सिटी बनाना। मगर आप अगर काशी रहते हैं या आप कभी काशी गए हैं तो उसकी हकीकत से आप वाकिफ होंगे। 30 अगस्त 2014 को जापान से क्योटो पैक हुआ, मोदी शिंजो आबे ने साइन किया, मगर उसके बाद जापान की मदद से पानी, कूड़ा, सीवर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुरुस्त करने का करार था। इन दिनों मैं काशी की सेवा में हूं, वाराणसी का मैं एमपी हूं, तो मेरा एक दायित्व भी बनता है वाराणसी जैसे वेद काल से भी पुरानी नगरी मानी जाती है वाराणसी को, वेद काल में से भी पहले की, यानी शायद दुनिया की सबसे पुरानी नगरी के रूप में उसका वर्णन आता है। क्योटो भी काफी पुरानी नगरी है, यहां भी हजारों मंदिर हैं, वहां भी हजारों मंदिर है, यहां पर भी उसकी आत्मा जो है, स्पिरिचुअल आत्मा जो है, उसको संभालते हुए ना उसको मॉडर्नाइज किया है। मेरा जो सपना था भाई, मैं एक वाराणसी का जनप्रतिनिधि हूं तो वहां भी कुछ मैं करूं, तो एक क्योटो के साथ जो हमारे एमओयू हुआ है, और विशेष करके उस परंपराओं को बनाए रखते हुए क्योटो और वाराणसी दोनों एज ए नगर हेरिटेज सिटी में है, तो उसके दिशा में मैंने थोड़ा समय दिया था, और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जापान के मार्गदर्शन से उस काम को हम भारत में कर पाएंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।